हाँ मेंसुरेशन में भैया सब पढ़ना ही पड़ेगा यार। मेंसुरेशन दो दो होते हैं, एक मेंसुरेशन 2D, एक मेंसुरेशन 3D। ठीक है, 3D में हमारे जो थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट वाले, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2D में हमारे जो 2D फिगर्स होते हैं, इन्हीं के मिक्स एरिया पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये जो लेंथ और ब्रेथ वाले सिर्फ होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ये तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा एडवांस हो जाता है 2D में। ठीक है, फिगर्स को ऐसे करके मतलब कंबाइन करके ऐसे करके कुछ एरिया वेरिया पूछ लेंगे, यही सब होता है 2D में। ठीक, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्री के बाद अपन मेंसुरेशन ही स्टार्ट करें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, क्योंकि अभी अपन पढ़ तो रही है स्क्वायर वगैरह ये सब। अभी जैसे आज अपन क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, तो क्वाड्रिलेटर में अपन स्क्वायर वगैरह ये सब फ्लो पढ़ेंगे, तो अपन प्लॉट। को एक एक तरीके से फॉर्मूला वगैरह तो अपन को पता ही होंगे। फिर फ्लो फ्लो में अपना ये 2D पार्ट जो है वो आसानी से कवर हो जाएगा, उसके बाद 3D भी कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है, ये भी हो जाएगा। फिर अलजेब्रा बचेगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा 2D और 3D में, मुश्किल से लगेंगे इसमें 7-8 दिन लगेंगे दोनों टॉपिक कवर करने में। ठीक है, ये हो गया एलजेब्रा में ही, ऐसे मान लो 5 से 6 दिन एलजेब्रा हो गया, बस उसके बाद तुम्हारा बचा ही क्या है, बस ये टाइम स्पीड डिस्टेंस और ये इंटरेस्ट वाले टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, इनमें 2-2 3-3 दिन करके ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। चलो, हमको रिवाइज करना है सर। रिवीजन तो तुम्हें करना है भाई, रिवीजन का ध्यान रखना, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, रिवीजन करते रहो। अब जैसे कल की क्लास थी, अभी तक की सबसे मान लो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लास हुई है अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है, उसकी क्लास कल ही हुई है अपनी, जो ज्योमेट्री का लेक्चर 5 है। ठीक है, जिस जिसने उसको रिवाइज नहीं किया उसकी चीज तो भूलते जा रहे हो। सिंपल कल की क्लास से मैंने तुम्हें क्लास में ही 5 क्वेश्चन करके दिखाए जो कल की क्लास से थे। ये सारे 5 क्वेश्चन तुम्हारे 2023 पेपर के हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब ये 5ों क्वेश्चन जब तुम्हारे एक ही क्लास से आ रहे हैं, तो तुम क्लास की इंपोर्टेंस समझ सकते हो कि कितनी इंपोर्टेंट क्लास थी कल की। ठीक है, चलो अब आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्या कैसे क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम। अभी देखो जो ज्योमेट्री का मेन पार्ट था ना, जिसमें थोड़ा वजन वाला पार्ट है, वो ये ट्राइंगल ही है। ठीक, ट्राइंगल हमारा चला गया, एक थोड़ा वजन जिसमें है वो है तुम्हारा सर्कल। ठीक है, सर्कल भी इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा ट्राइंगल है। ठीक है, और ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये प्लस पॉलीगन। ठीक है, ये इतने जो तुम्हारे इतने बड़े पार्ट नहीं है, छोटे छोटे पार्ट है, जल्दी हो जाएंगे। बस स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, स्क्वायर की एक दो प्रॉपर्टी है वो पता ही होनी चाहिए, रेक्टेंगल क्या होता है उसकी एक दो प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, तो ये बस ये सिंपल चीज है, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। चलो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर एक क्लोज्ड फिगर बोल सकते हैं सर। हाँ, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा। एनी क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा फिगर जो कि बंद हो और 4 लाइन से आपस में क्या हो, बाउंडेड हो, यानी कि बंद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पर ये ABCD, ये मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। बोलो, ये चीज समझ में आई, बताओ। ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं बोलूं इसके डायगोनल्स कहां पर है, डायगोनल्स क्या होते हैं, जब हम अपोजिट वर्टाइजेस को आपस में मीट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, डायगोनल। तो मेरा डायगोनल क्या होगा, यहाँ पर AC और BD मेरे क्या है, डायगोनल्स है। बोलो, इतना समझ में आया। ठीक है, जैसे हमारे ट्राइंगल में क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर था, 180 डिग्री के बराबर था। ऐसे ही जब मेरा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में मेरे इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, कोई बताएगा, बोलो। 360 डिग्री के बराबर होता है। बोलो, यहां तक समझ में आया। एक एंगल 90। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या होता है, सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। यहां तक सबको क्लियर है। चलो, अब जैसे मान लो मेरे को इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना, जैसे अगर कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाया, जैसे मान लो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं, ये भी तो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। बोलो, आया ना, ये हो गया मेरा ABCD। मैंने बोला कि अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो फिगर टू फिगर वेरी करता है। जैसे स्क्वायर हो गया, इसके लिए अलग फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए अलग फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम के लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन मैंने बोला कि मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है मेरा, मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो, मैंने क्या किया, मैंने
इसका ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया आपस में और इसका ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? बताओ बोलो, एक सेकंड रुकना। हाँ सर। जैसे मैंने एक ही साइड को ज्वाइन करो, ठीक है, मैंने एक साइड को ज्वाइन कर दिया आपस में, ठीक, यहां तक समझ में आई? ये बताओ अब मेरे को इस फिगर का एरिया निकालना है, तो इस फिगर का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दू प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दू, बोलो है ना, तो मेरा एरिया आ जाएगा पूरे फिगर का, ये बताओ। यस बोलो, सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं इन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? इन ट्राइंगल का मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एरिया निकालने के लिए कि ये मेरी परपेंडिकुलर हाइट है, और एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉइंग कर दिया, ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए इधर कर दिया, ठीक। अब अगर मेरे को इस फिगर का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी कर दूं, तो ये मेरा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, बोलो आया ना, ये मेरा किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? बोलो, हाँ ठीक है। अब अगर मेरे को इस वाले ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा, मेरे को ये हाइट पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या होगा मेरा, ये बताओ, ऐसी सर। ए सी मेरा बेस हो गया मल्टी, क्योंकि ए सी बेस क्यों है, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर कहाँ गिर रहा है, इस पर गिर रहा है, तो यानी कि ये मेरा बेस हो गया और इसके ऊपर ये जो है परपेंडिकुलर, ये मेरी हाइट हो गई, हाइट मेरी क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी, प्लस एरिया ऑफ ए बी सी के लिए हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस मेरा क्या होगा इस वाले ट्रायंगल ए बी सी में, बोलो एसी ए सी ही होगा, एसी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, ये मैंने मान लो इसको ई मान लिया, परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, तो यानी कि मेरा एरिया का क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए डी प्लस बी। तो अगर मेरे को कोई एक जनरल फॉर्मूला देना हो, इसको याद नहीं करना है, बस कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में लग जाता है इसको, वैसे मेरे ख्याल से तो किसी में नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देख लो, हाफ मल्टीप्लाई बाय ये एसी मेरा क्या है, डायगोनल, तो हमने डायगोनल लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय इधर मेरा क्या लिखा है, वही तो लिखा है जो मेरा सम ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ए डी प्लस बी, सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन इट, मतलब डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुए हैं उनका सम, तो यहाँ से मेरा एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, या नहीं आ जाएगा, बोलो आया ना, पहले ये बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया, सर बोलो। हो गया हाँ बताओ उज्जवल। सर। सर ये एडीसी में डीई होगा ना, एच कि एडी होगा। अरे डी ई ही लिखा है, जी सर, डी थोड़ा नोटिस किया करो यार, ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है यस सर, भी चलो, यहां तक समझ नहीं में आया होगा सबको? सर, वो दूसरा पॉइंट है। अच्छा यहाँ पर ये जी पॉइंट ही नहीं दिया है सर, मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ए बी सी डी ई, इसको मान लो एफ, ठीक है, ये डी एफ होगा, ठीक, चलो अब क्लियर है, सर चल यहाँ तक समझ में आया सबको, ये बताओ। सर देखो अब ये अब तुम्हारी ये क्या चल रही है, ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज चल रही है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ऐसी ये प्रॉपर्टीज उन सब में लगेंगी, मतलब सारे क्लोज्ड फिगर के लिए ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोमबस हो, कुछ भी हो, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये हर फिगर में लगेंगी, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस साइड थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, इसको मान लिया मैंने ए बी सी डी, और अगर इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, तो मेरा ये जो एंगल बन रहे हैं बीच के, ये मेरे 90 डिग्री बन रहे हैं सारे, बोलो यहां तक किसी कोई डाउट है, नो सर, ठीक है, अगर ये बीच के मेरे सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो इसकी अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम आपस में बराबर होता है, क्या मतलब, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बोलो ये चीज समझ में आई, ये सिंपल प्रॉब्लम, यस अब सर, इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन बताने का कोई मतलब नहीं है, ये अल्टीमेटली तुम्हें याद ही रखने पड़ेगी, ठीक है, इसको कहीं पे नोट कर लेना और इसको याद रखना, बोलो यहां तक समझ में आई, ये बताओ,
अगर डायगोनल ये फॉलो कब होगी, अगर डायगोनल उसके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो, अगर नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नहीं फॉलो होगी, सिंपल सी बात है। मेन चीज क्या है, ये डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, तभी ये चीज फॉलो होगी तुम्हारी। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देखो, अब इसमें क्या है, अभी तुम्हारी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, ठीक है। इफ पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, अगर मान लो कोई मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जैसे मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, बोलो आया ना, ए बी सी डी। अब मेरे ये पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट्स हैं, किस किस के, ए बी का है मेरा पी, बी सी का है मेरा क्यू, सी ए का, ए बी बी सी, यहाँ पर ये सी ए नहीं है, ये सी डी है, ठीक है, सी डी का मेरा आर और ए डी का मेरा एस। बोलो यहां तक समझ में आया? बताओ सर। ठीक है, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करके एक फिगर बनाऊंगा, अगर एक और मैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो भी मेरा एक चार साइड का फिगर बन जाएगा। ये मैंने इनको अगर ज्वाइन कर दिया, तो अगर ये मेरे सारे मिड पॉइंट है, यानी कि ये भी मिड पॉइंट है, 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 तो ये जो मेरा अंदर फिगर बनेगा ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा एक पैरेललोग्राम होगा। बोलो ये चीज समझ में आई? अंदर वाला सर ना? हाँ, अंदर वाला पी क्यू आर एस जी, ठीक है, तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम होगा, प्लस इसका जो एरिया होगा वो पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के हाफ होगा। मैंने बोला कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, अगर मेरा एरिया ऑफ ए बी सी डी एक्स है, तो जो अंदर मेरा पैरेललोग्राम बना है पी क्यू आर एस, इसका एरिया मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, एक मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसको याद करना। देखो एक एक तो मैं एक बात और बताता हूँ, अगर मान, देखो इसमें दो तरीके के अपन को मेनली ये चीज याद रखनी है कि पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक बार अभी तक बस सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आया है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कि जैसे मान लो कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे उन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल दिया और बोला कि इसके अंदर के आपस के ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये ऐसे जा रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर इस वाले का ऐसे गया, एंगल बाइसेक्टर एक इस वाले का ऐसे आया, एक एंगल बाइसेक्टर इस वाले का ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो मेरा यहाँ पर एक फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर क्या होगा, ये सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आया था, मैं तो खुद बता रहा हूँ। अब इसका डेरिवेशन काफी बड़ा है, ठीक है, और इसको याद करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ एक बार कोई क्वेश्चन आ रहा है उसके पीछे अगर तुम पूरा कॉन्सेप्ट याद करोगे, और अब ये सारे फिगर के लिए अलग अलग है, पैरेललोग्राम में ये फिगर कोई अलग बनेगा, अगर मैंने रोमबस ले लिया बार बार क्वाड्रिलेटरल तो ये फिगर कोई अलग बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए इतना सारी चीजों से याद करने से बेटर है कि इस कॉन्सेप्ट को तुम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आया भी तो बैड लक बोल के छोड़ के आगे बढ़ जाओ, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसको पढ़ने बैठे तो ये जो जरूरी चीज है ये भी भूल जाओगे। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बताने को कुछ नहीं है, मैं तो बता दूंगा, मैं लिख के भी दे दूंगा कि यहाँ पैरेललोग्राम बनता है तो अंदर ये है, रोमबस बनेगा तो अंदर ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर फर्क क्या होगा, तुम लोग याद नहीं कर पाओगे, जो मेन चीज होगी उसको भी भूल जाओगे और ये तो भूल ही जाओगे। समझ में आ रहा है जी सर? और क्वेश्चन भी नहीं आते इतने ज्यादा, ठीक है, इस पे अगर क्वेश्चन आ रहे होते तो मैं करवा ही रहा होता, ठीक। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ? यस सर। ठीक, चलो अब आगे देखो, आगे देखो, पीछे चलो देखो, एक चीज समझो, अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल की पहली वो हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है। If B O and C O are the angle bisectors of angle B and C, जैसे मैंने अगर ये quadrilateral बनाया, ये तुम्हारा एक quadrilateral है, ठीक है? ये नोट करते जाना ये प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है, एक A हो गया मेरा, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अगर B O और C O एंगल बाइसेक्टर है, जैसे अगर मैंने ये B O लिया और ये B O और ये हो गया मेरा C O, ये मेरे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल मेरा इसके बराबर है और ये एंगल मेरा इसके बराबर है। बोलो ये चीज समझ में आई? बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, तो जो मेरा एंगल ये BOC होगा, ये मेरा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल D, ऊपर वाले जो दो मेरे एंगल्स है ना, इनके हाफ के, इनके सम के हाफ के बराबर होगा। ये तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो। देखो इसमें कुछ नहीं है कि अगर मान लो ये BO और CO मेरे एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल के, बस ये याद रखना, एंगल बाइसेक्टर्स टर्म, ठीक है, कि मेरे BO और CO एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए, यानी कि ये एंगल को बाइसेक्ट करने चाहिए, तो ये जो मेरा बीच वाला एंगल बनेगा, अगर मैंने इसको थीटा मारा, तो ये थीटा जो है मेरा किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल D अपॉन 2, इसके बराबर होगा। समझ में आया?
एंगल ए प्लस एंगल डी ये ऊपर वाले हो गए, इन दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा, ठीक है? यस सर। चलो नोट कर लो इसे। अब ये मेरी जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए बात हो रही है, ठीक है? मतलब ये चीज हर क्वाड्रिलेटरल में फॉलो करेगी, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, तो जब मैं प्रॉपर्टीज जो बताऊंगा वो सिर्फ स्क्वायर के लिए है कि हाँ ये चीज सिर्फ स्क्वायर में ही लगेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये तुम्हारी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगेगी, बस वो फिगर होना चाहिए चार साइड का बंद, ठीक है? चलो यहाँ तक इसको नोट कर लो, कर लिया तुमने? लेकिन पेपर में सर स्पेसिफिकली स्क्वायर या रेक्टेंगल तो पूछेगा नहीं, ये इसी टाइप में पूछेगा सर कि दो प्रॉपर्टीज पेपर में के... पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर मान लो तुम्हें ये एंगल 50 दिया, ये 40 दिया और पूछा गया ये वाला एंगल बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि तो 15 की तुम उस पे अपने 15 मिनट बर्बाद कर लोगे लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक? हर तरीके का क्वेश्चन होता है पेपर में, ये मत कहो कि ऐसा आता है ऐसा आता है ऐसा आता है, ठीक है? पेपर वाले के ऊपर है यार, उसको इजी पूछना होगा वो इजी पूछ लेगा। अगर मान लो इजी भी आ गया, जैसे मगर मान लो ये थीटा वाला क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ, अब जिस बंदे ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसके लिए तो ये इजी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो डेरिवेटिव ड्राइव करने बैठेगा तो उसके लिए हार्ड है, सीधी सी बात है। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, पेपर इजी या हार्ड डिपेंड करता है तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, ठीक है? हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो हेलो, कुछ बोल रहे होगा उज्जवल? हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरे को नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही थी? चलो देखो अभी आ रहा है सर, अभी आ रही है ना? हाँ आ रही है। यस सर आ रही है। अभी तीसरी प्रॉपर्टी और देखो, मैंने बोला कि अगर कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है मेरा, जैसे मेरा ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है? मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये मेरे डायगोनल आपस में ज्वाइन हो गए। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। अब मैंने तुम्हें बोला कि ये वाला जो फिगर है इतना इतना, ये ओ डी सी, इसका एरिया तुम्हारा ए वन है, ठीक है? इसके सामने जो एरिया है ये तुम्हारा ए टू है, ठीक है? ये तुम्हारा ए थ्री है और ये अपोजिट वाला तुम्हारा ए फोर है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल में एक तुम्हारी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि ए वन मल्टीप्लाई बाय ए टू दिस इज इक्वल टू ए थ्री मल्टीप्लाई बाय ए फोर। एक इसको और नोट कर लो, ठीक है? बस ये ध्यान रखना कि ये A1 A2 कौन से वाले हैं, अपोजिट वाले हैं, और ये A3 A4 कौन से वाले हैं, अपोजिट वाले हैं, ठीक है? चलो एडजेसेंट वाले मत लेना कि A1 मल्टीप्लाई बाय A2 ऐसे कर दो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आया है CDS में इस प्रॉपर्टी पे, ठीक? नोट कर लो इसे। बस ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल में और कुछ नहीं है। मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्राइंगल और सर्कल से ही आते हैं। क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन आया तो या तो वो एरिया वाला आएगा कि मेंजुरेशन से एरिया पूछ लेंगे, या फिर अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है तो वो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से आएगा जिसको तुम इजीली कर लोगे, ठीक है? जी सर। चल प्रॉपर्टी पूछेगा सीधा, है ना सर? हाँ हाँ, अभी आगे अपन करेंगे क्वेश्चन, दिख जाएंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, ठीक है? सारे प्रीवियस ईयर ही डालता हूं मैं, तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर ही दिखेंगे आगे, ठीक? या तो वो दिशा की बुक से होंगे या फिर मेरे पे जितने पेपर पड़े हैं मेरे प्रीवियस ईयर के। अच्छा आज मैं डाल रहा था पेपर से क्वेश्चन, तो उसमें अब मेरे क्वेश्चन तो डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर ही, ठीक है? लेकिन ये नहीं पता है कौन से पेपर का है, मतलब जितने अच्छा। भी मैंने दिए हैं वो मिक्स हो गए हैं, किसी का सेट ए किसी का सेट डी, या मेरे को याद भी नहीं है मेरे कौन सा मिला था कब, ठीक? तो वही पेपर डाल, मतलब हाल फिलहाल के ही है, मैं कौन सा इतना भी पुराना हूँ कि मैंने बहुत पहले पेपर दिया हो। जी सर। चलो नोट कर लिया सबने? हाँ सर। चलो अब देखो, अभी आ गया हमारा स्क्वायर। अब जो ये पॉइंट्स लिखे ना मैंने, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि स्क्वायर में क्या क्या होता है, ठीक है? इसको अब ये तुम्हें याद रखनी है सारी कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ये थोड़ा गलत लग गया, यहाँ पर लिख देना अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई स्क्वायर है, जैसे मैंने बोला, जैसे अगर पेपर में आ गया कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये मेरा हो गया स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अगर मैंने बोल दिया कि ये स्क्वायर है तो सिंपल उसमें सारी चीजें फॉलो करेगा, समझ में आ रहा? ये भी ये भी ये भी। इसका मतलब क्या है कि इसकी सारी साइडें आपस में बराबर भी होंगी, ठीक है? इसके सारे एंगल्स राइट एंगल्स भी होंगे, ठीक है? अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी, यानी कि सी डी पैरेलल होगी ए बी के, ए डी पैरेलल होगी बी सी के। और अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊंगा, डायगोनल्स अगर मैंने बनाई तो ये डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होंगे। इस पूरी लाइन का मतलब समझो, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है
कि मेरे डायगोनल्स आपस में इक्वल भी हो गए, इसका मतलब क्या है कि एसी मेरा जो है बीडी के बराबर भी होगा, ठीक है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि बाइसेक्ट का मतलब यानी कि एओ बराबर होगा तुम्हारा ओसी के, एओ तुम्हारा ओसी के बराबर होगा और ये ओडी तुम्हारा ओबी के बराबर होगा, ओडी तुम्हारा ओबी के बराबर होगा एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब क्या है कि ये जो मेरे ये सारे एंगल बनेंगे बीच में, ये मेरे सारे कितने होंगे 90 डिग्री होंगे, इस पूरी लाइन का ये मतलब है। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, स्क्वायर का मतलब हो गया तुम्हारा ये, ठीक। अब देखो, अब स्क्वायर की अब एक चीज और याद रखना, ठीक है। जैसे हमने वो क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, कि अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। अगर मान लो वो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल मेरा स्क्वायर है, लिखा है क्या मैंने अंदर, हाँ लिखा है। देखो अगर मैंने क्या किया, अगर मेरा कोई स्क्वायर है, जैसे ये मेरा स्क्वायर है, ये हो गया मेरा स्क्वायर, ठीक, ए बी सी डी, एक इसको नोट कर लेना साथ में। अगर ए बी सी डी और मैंने बोल दिया कि इसके ये मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, अगर ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं तो ये मेरा जी जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये पी क्यू आर एस, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर ही होगा। समझ में आया? ये भी मेरा क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। बोलो, ये चीज समझ में आई? यस सर। बताओ वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मतलब जैसे वो पिछला वाला भी क्वेश्चन एक था ना, ये ऐसे प्रॉपर्टी। अच्छा, वो ऐसे पूछा जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। मैं बात सुनो, जैसे मान लो कि, अच्छा क्वेश्चन ऐसे समझो कि मान लो जैसे ये तुम्हारा ये आया, बोला गया क्वेश्चन में ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें दिया गया कि पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि अगर मेरे को इस वाले एंगल का मान बताना, ठीक है, कौन सा, अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल तुम्हारा एक्स के बराबर है, मेरे को एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं जनरल तुम्हें बता रहा हूँ, तो क्या होगी एक्स की वैल्यू। देखो, अगर बोला गया कि बाहर वाला ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि जब अगर इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो अंदर भी एक स्क्वायर ही बनेगा, तो पी क्यू आर एस भी तुम्हारा एक स्क्वायर हो गया। अब जब पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है तो तुम्हें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि पी क्यू आर एस भी एक स्क्वायर है, और पी आर और क्यू एस ये तुम्हारे क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, तो ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि एक्स तुम्हारा 90 डिग्री है। बोलो, आया ना? ओके, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता होती इसका तुम आंसर कैसे निकालते? समझ में आ रहा है? आ तो जाता आंसर, ऐसा नहीं है कि आंसर ही नहीं आएगा, लेकिन टाइम लगता, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, एक बार नोट कर लें सर, इसको नोट कर लो, फिर एक चीज और बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये लो, बस ये नोट कर लो कि पी क्यू आर एस ये अंदर एक स्क्वायर बनता है, ठीक है, अगर स्क्वायर है। चलो, ओके सर। चल, अब एक चीज देखो, अगर मान लो तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, वही चीज पढ़ रहे हैं जो अपन ने पढ़ रखी है अभी, ये तो ठीक, जैसे स्क्वायर है, मैंने बोला कि सारी साइडें इसकी ए के बराबर है, ठीक, तो अगर मैं इसका डायगोनल बनाऊंगा तो डायगोनल इसके बराबर हो जाएगा, ए रूट टू के बराबर हो जाएगा, ये अपन ने उस दिन किया था, अगर पाइथागोरस लगाएंगे ए रूट टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा डायगोनल का केस, कि डायगोनल तुम्हारा ए रूट टू के बराबर होता है, ठीक। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है ये बताओ? पूरे मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया तुम्हारा क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एरिया, ठीक है। एक ये चीज और नोट कर लेना, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने अंदर तुम्हें कोई भी पॉइंट मार दिया, मैंने मान दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि क्या है, पी है, ठीक, तुमने इसको ज्वाइन किया, फिर तुमने इस पी को यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है, फिर तुमने इसको ज्वाइन किया और इसको इधर ज्वाइन किया, ठीक, ये तुम्हारा है ए बी सी डी, तो ये जो तुम्हारा सीधे डायगोनल वाली चीज बनेगी ना, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये तुम्हारा बराबर होगा पी डी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, इसको और नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर खत्म होता है, ठीक। चलो करो इसको,
क्लियर आउट। कर लिया नोट सबने? यस सर। चलो अब आ जाता है तुम्हारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है वो देखो। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, ठीक है। डायगोनल्स भी हैं इसके जो है वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक, जैसे अगर मैंने बोला ए बी सी डी, ठीक है, कि ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है, ठीक, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी ये अगर रेक्टेंगल है तो इसकी ये साइड तुम्हारी इसके बराबर होगी और ये साइड इसकी इसके बराबर होगी। बोलो, आया ना? अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गई और ये आपस में पैरेलल भी होंगी, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि ये जो ए सी है तुम्हारा, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा। बोलो, आया ना? और ये बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये ओ डी तुम्हारा ओ बी के बराबर होगा और ये ए ओ तुम्हारा ओ सी के बराबर होगा। बोलो, आया ना? सर, ठीक है, ये तुम्हारा OC के बराबर होगा। प्लस बट नॉट एट राइट एंगल्स, इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल्स तुम्हारे हो भी सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल हो। अगर मान लो ये राइट एंगल हो गए तो ये तुम्हारा स्क्वायर ही ना बन जाएगा। बोलो, आया ना? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो, ठीक है, बट नॉट एट राइट एंगल्स, इसीलिए लिखा है, इसको याद रखना है इस लाइन में। ठीक, ये होता है तुम्हारा क्या, रेक्टेंगल। बाकी रेक्टेंगल की ऐसी कुछ प्रॉपर्टी तो है नहीं, ठीक है। रेक्टेंगल बस रेक्टेंगल समझ में आया, बस यहीं पे खत्म है रेक्टेंगल, ठीक है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये रेक्टेंगल में भी फॉलो करती है। अगर मान लो ये तुम्हारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले दिया कोई भी, मान लो यहाँ पर ये पी इसके अंदर होना चाहिए बस, चाहे वो यहाँ हो वहाँ हो कहीं भी हो, अगर मान लो पी ए है, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, पी डी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। समझ में आया? ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ठीक, बस यहाँ पर तुम्हारा रेक्टेंगल खत्म है। बोलो, इतना समझ में आया? सर, ठीक है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो आता है ना फिगर, वो होता है तुम्हारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का ध्यान था सर, वो चलो, अरे लिख क्यों रहे हो यार, ये सब तो तुम्हें मिल ही जाएगा, समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड से आपस में पैरेलल और इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये ए बी सी डी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि इसकी जो ए बी है ये तुम्हारी सी डी के बराबर होगी, ए डी जो है वो तुम्हारी बी सी के बराबर होगी, सेम एज रेक्टेंगल, ठीक है। डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, इसका मतलब क्या है कि डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। डायगोनल्स मे और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसका मतलब क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है? और सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी आजू बाजू वाले एंगल का सम करूंगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी, ये मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ में आया? बताओ। सर, समझ में आ रहा ना? यानी कि अगर मैं गौर से देखूं तो स्क्वायर हुआ मेरा, रेक्टेंगल हुआ, ये वाले फिगर मेरे कैसे हैं? अगर मैं आगे रोम्बस भी पढ़ेंगे अपन, तो ये भी सब क्या है, ये भी सब एक तरीके के पैरेललोग्राम ही है। बोलो, है ना? क्योंकि इनकी भी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, इक्वल होती है। डायगोनल्स मे और मे नॉट बी का इक्वल का मतलब क्या है कि स्क्वायर की भी, स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। बोलो, है ना? यस सर। ठीक है, चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको, ये बताओ। चलो, अब देखो इन दो शब्द का मतलब समझना, इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। हमने इन सर्कल, सर्कम सर्कल, इन दोनों के बारे में तो पढ़ी लिया है। बोलो, आया ना? देखो, इनस्क्राइब का क्या मतलब होता है, अब पैरेललोग्राम इनस्क्राइब्ड ना सर्कल, इसका मतलब क्या है
कि सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा है? अब पैरेललोग्राम इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर मैं ऐसा कोई एक फिगर बनाऊं, जैसे मैंने सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर मैंने बोला कि ये तुम्हारा ये ए बी सी डी एक तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो ये कभी भी तुम्हारा पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि ये ए बी सी डी क्या होगा, तो ये ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल होगा हमेशा ये तुम्हारा। अगर मैंने बोला कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है? ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल भी मेरा एक तरीके का पैरेललोग्राम है। बोलो, आया ना? बस ये इंस्क्राइब होना चाहिए। समझ में आ रही है? इंस्क्राइब, ठीक? यस सर। इंस्क्राइब का मतलब ये सारे जो वर्ट, ये मतलब सर्कल के अंदर होना चाहिए और इसका हर वर्टेक्स सर्कल को टच करना चाहिए, सर्कल की बाउंड्री को, ठीक? अब सर्कमस्क्राइब का मतलब समझो। अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल, इसका मतलब है कि अगर मेरा यहाँ पर सर्कल है और अगर मेरा पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इसकी साइड जो है इस सर्कल की हर बाउंड्री को टच करेगी। अब ये यहाँ पर थोड़ा ऐसे करके बना लो, ये तुम्हारा मान लो ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर सर्कल है, एक ऐसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि ये ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा पैरेललोग्राम बनेगा, ये ए बी सी डी, ये तुम्हारा हमेशा क्या होगा? एक रोम्बस होगा, ठीक है? ये ए बी सी डी तुम्हारा क्या होगा? ऑलवेज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस भी तुम्हारा एक तरीके का पैरेललोग्राम, ठीक? बोलो, ये दो चीज समझ में आई? बताओ। ये भी बार वाला रेक्टेंगल होगा? ना ना, रोम्बस होगा ये एबीसीडी, लिख तो रहा हूँ यहाँ पर मैं। इस वाले के लिए बार वाला एबीसीडी क्या होगा? रोम्बस होगा। और इस वाले के लिए एबीसीडी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब, दोनों शब्द का मतलब समझ में आ गया, इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब का। उसमें भी जब हम ट्राइंगल में भी इन सर्कल और सर्कम सर्कल पढ़ाते तो क्या था? इन सर्कल मेरा क्या था? अंदर बनता था, बोलो, आया ना? और सर्कमस्क्राइब्ड वाला सर्कल मेरा कहाँ बनता था? यहाँ पर बनता था बाहर, ठीक है? तो सर्कम शब्द का मतलब ही होता है बाहर। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड बन रहा है, यानी कि पैरेललोग्राम बाहर बनेगा। समझ में आया? यस सर। चलो, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब एक चीज देखो, देखो, चलो ये समझो। जैसे मैंने तुमसे बोला कि वही सेम केस अपना, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तुम्हारा ये ए बी सी डी, इसमें तुम्हारे पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है मिड पॉइंट? पी क्यू आर एस। तो ये तुम्हारा अंदर क्या बनेगा? पैरेललोग्राम ही बनेगा। समझ में आया? पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनता है तुम्हारा? ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। और इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये तुम्हारा क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। समझ में आया? ठीक है, एक इसको नोट कर लो, एक इस चीज को और नोट करो। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ठीक? अब ये पैरेललोग्राम मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर के लिए भी है, रेक्टेंगल के लिए भी है, रोम्बस के लिए भी है, क्योंकि वो सारे भी तो एक तरीके से पैरेललोग्राम ही होते हैं। बोलो, आया ना? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक? अब इसके डायगोनल्स हैं, मैंने बोला कि ये ए सी है, ये बी डी है, तो इनके डायगोनल्स के जो सम का स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कि एडजेसेंट साइड्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ए बी प्लस ए डी एडजेसेंट साइड और ये डायगोनल्स का जो सम है। बोलो, ये समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये समझ क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है? ठीक, अगर मान लो सेम चीज, जैसे मैंने बोला कि पैरेललोग्राम नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है? स्क्वायर का ऐसे समझो कि ये मैंने डायगोनल मान लिया कि डी के बराबर है, सारे बराबर ही होते हैं, और ये चीज मैंने मान ली ए के बराबर है, तो स्क्वायर में मैं करूंगा तो क्या करूंगा? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डायगोनल तो दोनों बराबर ही है स्क्वायर के। बोलो, आया ना? समझ में आया? ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ, अरे स्क्वायर के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, तो मैंने माना कि एक डायगोनल डी के बराबर है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से मेरे ए सी का स्क्वायर, यानी कि एक डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ
एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि एडजेसेंट कौन सी है, यहाँ पर ए, ये भी ए के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो गया 2d स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये पे अंदर हो गया मेरा 2a स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 मेरा कट गया, तो मेरा डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2a स्क्वायर के बराबर आ गया, ये तुम्हारा हो जाता है स्क्वायर के लिए। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, अल्टीमेटली है कुछ नहीं, अब तुम पाइथागोरस भी लगा दो इस ट्रायंगल में तो भी यही आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर। ठीक, अब ये रेक्टेंगल वगैरह के लिए बी का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे और तुम्हारा रोम्बस हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस ट्रपेजियम में नहीं लगेगा, ट्रपेजियम की क्योंकि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होता है ट्रपेजियम में, समझ में आया? सर कोई सी भी हो सकता है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी हो सकती है, तो हाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी हो सकती है, एडजेसेंट होनी चाहिए बस वो, ठीक है, क्योंकि अब ए डी की ए डी रखो तो चाहे बी सी रखो बात तो एक ही है, क्योंकि ये दोनों का इक्वल है ना आपस में, ए डी और ए बी, ए डी और बी सी, सॉरी बताओ ये चीज समझ में आई सर? चलो ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम के लिए, अब रोम्बस पे आ जाओ। ठीक है, रोम्बस का देखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती है, पैरेलल होती है, रोम्बस की पहले तो सारी साइड ही आपस में इक्वल होती है, ये इसके बराबर सारी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है, ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर, ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट यानी कि ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर है सिर्फ आपस में, सारे एंगल आपस में बराबर नहीं है, ये चीज याद रखना, साइड सारी आपस में बराबर है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके डायगोनल बनाए, जैसे एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, इसको मैंने बोला ए बी सी डी ओ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल का मतलब कि ये ओडी तुम्हारा ओबी के बराबर है, और ये ए ओ तुम्हारा ओसी के बराबर है, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा एसी और ये बीडी ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बोलो ये चीज समझ में आई, और डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, इसका मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल जहां से निकल रहे हैं ये डायगोनल तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेंगे, ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में, इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में, इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट, बोलो ये चीज समझ में आई सर? अच्छा एक चीज और, एक सेकंड बस, यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया था, ये पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है, ये चीज और लिख लो, पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होता है, जैसे अगर मान लो मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ठीक, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक, इसको और नोट कर लेना बस, ये चीज रखिए, ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया? हाँ बोलो। Half into sum of parallel side into distance between them किसका था? Half into sum, अरे वो trapezium का है यार, trapezium तक पहुँचने तो दो। नहीं वो याद आ गया तो इसीलिए पूछ लिया। ना ना। चलो ये यहाँ पर rhombus की property समझ में आई क्या होती है सारी? ये properties तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर जैसे मैंने बोल दिया rhombus, तो ये सारी चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि इसका ये angle इसके बराबर भी होगा। ये एंगल इसके बराबर भी होगा, ये 90 डिग्री भी होंगे, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज दिमाग में आनी चाहिए तुरंत, इस वजह से ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, ठीक, चलो ये हो गया, अब देखो अब आ जाते हैं रोम्बस के एरिया पे, ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये समझ लो कि अगर मान लो ये मेरा रोम्बस है, ठीक, ये मेरा रोम्बस है ए बी सी डी, अब मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिलाता हूँ आपस में, जैसे मैंने बोल दिया पी, ये हो गया मेरा क्यू, ये हो गया मेरा R और ये हो गया मेरा S, तो जब मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये जो अंदर P Q R S मेरा फिगर बनेगा, ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, एक चीज तुम्हारी ये हो गई, और एक होता है तुम्हारा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस तुम्हारा क्या होता है, जैसे मैंने अगर मान लो कोई रोम्बस है, ठीक, और इसके ये डायगोनल्स हैं, मैंने बोल दिया इस डायगोनल की लेंथ है डी वन और इस डायगोनल की लेंथ है डी टू, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो तुम्हारा होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस
वो किसके बराबर होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डी वन मल्टीप्लाई बाय डी टू। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। ओके सर ठीक है, ये हो गया। अभी अपन ने जो पीछे पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो रोम्बस में भी फॉलो करेगी, यानी कि अगर मैंने ये रोम्बस बोला और ये मैंने इसके डायगोनल्स बोल दिए कि एक डायगोनल डी वन है एक डायगोनल डी टू है और इसकी सारी साइड ए के बराबर है, ठीक है, तो रोम्बस के लिए क्या हो जाएगा, मेरे डायगोनल्स के सम का स्क्वायर यानी कि डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कोई भी एडजेसेंट साइड लो सारी इसी के बराबर है, बोलो आया ना सर। ठीक है, तो ये डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया, ये तुम्हारा टू ए स्क्वायर हो जाएगा, टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू यानी कि फोर ए स्क्वायर, ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक है, यस सर। चलो ये लास्ट पेपर टीम है क्या, क्या दोबारा बोलो क्या बोला, डायगोनल का क्या है सर? अरे अपन ने पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल्स के जो सम का स्क्वायर होता है वो तुम्हारा किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड के सम के बराबर होता है, ठीक, ये पढ़ी थी अपन ने, वही इसमें लगा दी है कि डायगोनल के जो सम का स्क्वायर है, इसका डायगोनल डी वन है एक डायगोनल डी टू है, तो इसके जो सम का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, एडजेसेंट साइड के सम के, कोई सी भी साइड ले लो एडजेसेंट ए के बराबर ही है, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया फोर ए स्क्वायर आ गया, बस ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, एक बार ये इसकी प्रॉपर्टीज वाली स्लाइड बता दीजिए, ये रोम्बस की, रोम्बस, अच्छा रोम्बस की, ये इसके बाद बोल सर, इसमें आपने लिखा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो सर इसमें तो सारी साइड्स आपने ए ले ली, ना 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 यार, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल नहीं है, यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं ट्रपेजियम पे, देखो ट्रपेजियम तुम्हारा एक ऐसा फिगर होता है जिसकी एक पेयर ऑफ साइड्स तो आपस में पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में नॉन पैरेलल होता है, समझ में आया, अब मैं अगर यहाँ पर देखूं, अगर मैं इसको नाम दूं, ये हो गया मेरा ए बी सी डी, तो इसमें मेरा ए बी और सी डी ये तो आपस में पैरेलल है, लेकिन ये ए, लेकिन ये मेरा ए डी और ये बी सी ये आपस में क्या है, नॉट पैरेलल है, ठीक है, नॉट पैरेलल का मतलब नहीं, ऐसा मतलब ठीक पैरेलल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है ये समझ में आ गया, अब मेरे को ये बताओ ट्रेपेजियम क्या मेरा पैरेललोग्राम है, बोलो सर क्या है, यस या नो, यस, यस कैसे होगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए सर, नहीं है सर, अपोजिट साइड्स इसमें एक एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल है लेकिन दूसरा मेरा पैरेलल नहीं है, यानी कि ये मेरा पैरेललोग्राम भी नहीं है, समझ में आया, मतलब एडी और बीसी नहीं है, है ना, हाँ ये दिख ही रहा है ना तुम्हें, अगर तुम इसको आगे ले जाओगे मीट करेंगी आपस में, जी सर, ठीक है, तो ये मेरा आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक, अब ये समझो एरिया ऑफ ट्रिपल, ये क्या सर, कोई सा भी हो सकता है ना फिर तो, ये हाँ कोई सा भी हो सकता है, बीसी होगा तो, अगर मान लो इसको ऐसे कर दूं मैं, ये ऐसे हो गया सेम, अब इसमें ये वाली फिगर आपस में पैरेलल है लेकिन ये वाली नहीं है, तो ये भी ट्रेपेजियम तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, ये सर मैं सब बोल रहा था जैसे एडी पैरेलल टू बीसी नहीं होगा, मतलब जो मतलब छोटी वाली साइड, ये जरूरी नहीं है छोटा बड़ा जरूरी नहीं है, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल होगा एक पेयर नहीं होगा, ऐसे समझो, ठीक है, कोई भी हो सकता है सर वो, हाँ कोई भी हो सकता है वो, ये जरूरी नहीं है छोटा बड़ा, इसमें इसमें भी भेदभाव करना, अगर AD इसी है तो AB DC नहीं होगा ना सर, हाँ बस एक पेयर होना चाहिए पैरेलल कुल मिला के, जी सर। चलो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इसे मान लो ये तुम्हारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, एरिया
ऑफ ट्रेपेजियम। अब वो कौन था सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला, वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो हाइट कैसे आएगी, ये तुम्हारी ये भी हाइट हो सकती है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां पर ऐसे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये भी हाइट हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सेम केस यहां पर, ये भी हाइट हो सकती है और ये भी हाइट हो सकती है, अल्टीमेटली सारी आपस में बराबर ही होंगी, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, यस सर। नोट कर लो इसे। चलो नोट कर लिया सबने? नहीं नहीं करो करो। हाँ सर। चल देखो इसको पढ़ो, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इज कॉल्ड द मीडियन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक ट्रपेजियम बनाऊं, ये मैंने एक ट्रपेजियम बनाया, ठीक है, ये तुम्हारा एक ट्रपेजियम ये हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बी सी और ये डी, ये तुम्हारा एक ट्रपेजियम हो गया, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है ये बताओ। बोलो एडी ए डी और बी सी, अगर मैं इनकी नॉन पैरेलल साइड्स की ये ई और मैंने बोल दिया एफ, ये अगर मेरे मिड पॉइंट्स हैं और अगर मैं इसको आपस में मिला दूं तो इस ई एफ को क्या बोलूंगा मैं, ये ट्रेपेजियम की क्या है, मीडियन है, ठीक है, और ये जो ई एफ की मेरी वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लो ट्रेपेजियम की, ठीक है। लिख लिया सबने? एक मिनट सर, बस एक चीज और समझना कि अगर मान लो मेरा यही सेम ट्रपेजियम, ये ट्रपेजियम हो गया और वही सेम मेरा ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी और ये मेरे डायगोनल्स हैं। अच्छा सबसे पहले ये ई और ये एफ, ये मेरे वही मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और मैंने इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया आपस में, मैंने पहले ये तो मेरा ज्वाइन है ही, अब मैंने क्या किया इसके डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर दिया, टेढ़े मेढ़े ज्वाइन हो गए, ठीक है, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर ऐसे कट कर रहे हैं, इसको मैंने मान दिया ये है एम और ये है एन, तो ये जो एम एन होगा मेरा ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। अब ये ए बी माइनस सी डी मॉड में है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ए बी माइनस सी डी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस होगा, ठीक है। यस सर। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर ई और एफ मेरे किसके मिड पॉइंट है, ये नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट है, अगर मैंने इसके डायगोनल बनाए और ये मेरे किसके मिड पॉइंट है, ये मेरे डायगोनल के मिड पॉइंट है, एम और एन जो है ये मेरे क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, तो ये जो मेरी एम और एन की लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी, ये हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी के बराबर होगी, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ सर। बस ये दो चीज और है, ईएफ का कोई रोल नहीं है ना सर? ईएफ का कोई रोल नहीं है इसमें, इसमें एमएन का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर मैं मान लो सेम चीज अगर मैं यहाँ पर बना दूं, जैसे ई और एफ भी मिड पॉइंट है और यहाँ पर मैं एम और एन को भी बना दूं, तब भी मेरी ये दोनों चीजें फॉलो करेंगी, ठीक है। यस सर। चलो ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलो एक लास्ट चीज और है ट्रेपेजियम, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके डायगोनल्स बनाए ट्रेपेजियम के, ये मेरा ट्रेपेजियम और अगर मैंने ये इसके डायगोनल्स बनाए, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, ये है ए बी सी डी और ये मेरा ओ, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली का मतलब कि ए ओ अपॉन सी ओ ये मेरा बराबर होगा, ए ओ अपॉन सी ओ ये मेरा बराबर होगा, एक सेकंड, ए ओ इधर से लिया है ना तो इधर से ही अपॉन डी वाली साइड से लेके, डी ओ अपॉन बी ओ और ये मेरा बराबर होगा ए बी अपॉन सी डी, ठीक। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे प्रोपोर्शनली
और क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स के जो पैरेलल साइड्स हैं उनके साथ में ऐसे करके प्रोपोर्शन बनाएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लो सर। हाँ बताओ। ये AO by CO लिखा जैसे, तो BO by OD नहीं लिखना चाहिए था? नहीं नहीं, सेम क्वेश्चन मेरा भी यही है। नहीं नहीं, BO by DO नहीं लिख सकते इसको। अगर तुम BO by DO लिखोगे तो इसको तुम्हें CO by AO लिखना पड़ेगा, ठीक है? AO सर DO by BD है या फिर DO by BO है सर? ओ है यार, DO by BO। यस सर। चलो अब ये सारे तुम्हारे PYQ ही हैं, इसको एक बार ट्राई करो खुद से क्या पूछा गया है। जितने अभी क्वेश्चन आएंगे सारे PYQ हैं, ठीक है? इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। चलो आया किसी का आंसर? आया भाई? 1:4 होगा क्या? वो अभी चेक करते हैं। देखो क्या बोला, लेट पी बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एक्स। मान लो कोई मेरा स्क्वायर है, एक स्क्वायर है मेरा एक्स, ठीक है? इसका एरिया तुम्हारा क्या है, पी है, ठीक? एंड क्यू बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्मड ऑन द डायगोनल, यानी कि कोई एक डायगोनल है, इस डायगोनल पे एक स्क्वायर बना है, यानी कि एक स्क्वायर तुम्हारा यहाँ इसके डायगोनल पर बना है, इसका एरिया क्या है, क्यू है, ठीक? तुम्हें बस ये बताना है कि पी टू क्या होगा, पीस टू क्यू क्या होगा। मैंने मान लिया कि इस वाले स्क्वायर की साइड मेरी ए है, तो ये डायगोनल मेरा क्या हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो एक्स वाला स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यही तो मेरा पी के बराबर है। बोलो आया ना? यस सर। और क्यू मेरा इस दूसरे वाले स्क्वायर का है, दूसरा वाला स्क्वायर का मतलब ये तुम्हारा ए रूट टू के बराबर है, सारी साइड है यानी कि साइड का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा ए रूट टू स्क्वायर के बराबर है। बोलो आया ना? ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, 1:2 तुम्हारा आंसर आ गया। बताओ किसको नहीं आया? बोलो, ये तुम्हारा 1:4 कैसे आया उज्जवल? बताओ कहाँ गलती की थी? सर मैंने ये यहाँ पे वो ले लिया था, 4A ले लिया था। नहीं 4A कैसे, 4A मीटर टाइप वो पेरीमीटर। अरे पेरीमीटर कैसे ले सकते हैं यार, एरिया की बात हो रही है तो पेरीमीटर लोगे तो फिर क्या, ऐसा ही काम चलेगा यार। चलो समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, PYQ है ये भी। अच्छा हाँ, PYQ ही है। चलो ट्राई करो, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
तुम्हारा क्वाड्रिलेटर पूरा हो गया, कल अपन करेंगे पॉलीगन, पॉलीगन के क्वेश्चंस, अगले 2 दिन सर्कल, आज 6वीं क्लास है ना, 7वें दिन पॉलीगन, 2 दिन सर्कल, 8वें 9वें 1 दिन या 2 दिन अपन सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो है डाल दूंगा, उसकी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो बढ़िया तुम्हारा ज्योमेट्री हो जाएगा 11 क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे पेस से हो गया अपना, ठीक है? ज्योमेट्री के बाद अपन करेंगे मेंजुरेशन, आज 23 हो रखी है ना, हाँ लगभग 5 दिन और, 28 तक मेंजुरेशन, ठीक है, उसके बाद मेंजुरेशन कर लेंगे अपन लगभग 5-6 क्लास में, और फिर उसके बाद अलजेब्रा, ठीक है? चलो फिर अलजेब्रा ही रह जाएगा मेन तुम्हारा जो बड़ा टॉपिक है, उसके बाद तो बाकी सारे छोटे ही बचे हैं, ठीक है? बाकी सारे अपन ने कर लिए ना, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ये सब तो हो गया अपने, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, या किसी का आंसर आया ये? नहीं सर, सर EF is equal to half AB plus CD, CD लगाएंगे क्या? हाँ वही लगाएंगे, अप्रोच नहीं आ रहा इसमें, वही तो लगाएंगे, यहाँ पर अप्रोच की बात क्या है? अच्छा अच्छा, किसी का आया आंसर ये बताओ, चलो तुम्हें पे कितने मिनट और दे रहा हूँ, 7:05 हो रहे हैं, तुम्हारे पास 3 मिनट और है, चलो 8 बताओ। ओके सर, सर 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अब देखो क्या बोला इसमें, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, यानी कि एक ट्रेपेजियम है तुम्हारा ABCD, ठीक है? अब देखो AB माइनस DC इज इक्वल टू 4 दे रखा है, यानी कि AB तुम्हारा बड़ी साइड है, बोलो आया ना, यानी ये तुम्हारा हो गया AB, ये हो गया तुम्हारा CD, ठीक है? फिर बोला ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC, ई और एफ इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये ई और एफ, ठीक? EF की लेंथ तुम्हें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तुम्हें एक ये चीज दे रखी है और तुमसे ये पूछा गया कि AB मल्टीप्लाई बाय DC किसके बराबर होगा, ठीक है? आप देखो EF तुम्हारा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ AB प्लस CD के बराबर होगा, बोलो आया ना, बताओ सर। EF हो गया तुम्हारा 10 इज इक्वल टू हाफ AB प्लस CD, यानी कि यहां से AB प्लस CD की कितनी वैल्यू आ रही है, 20 वैल्यू आ गई, बोलो आया ना, और AB माइनस CD की कितनी वैल्यू दे रखी है, 4 वैल्यू दे रखी है, बोलो आया ना, क्या यार? हाँ सर, ठीक है? अब देखो ये प्लस CD से माइनस का CD कट गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ AB, दिस इज इक्वल टू 24, 2 1 2 2 2 4, यानी कि AB तुम्हारा किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया, बोलो आया ना सर। AB 12 के बराबर आ गया तो तुम्हारा CD किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, बोलो आया ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तुमसे AB मल्टीप्लाई बाय CD पूछा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, 96 हो गया, ये आंसर आ गया। अब ये तुम्हारा PYQ है, ठीक है? अगर प्रॉपर्टी आती है तो कर लोगे, नहीं आती है बैठे रहोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? सर भाई AB प्लस CD इक्वल टू 20 लगा के छोड़ दिया हमने कि सर अब माइनस में दिया, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ये दिया ही इसलिए रखा है, अब दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है? चलो सर फालतू का, चलो अब ये पढ़ो, ये भी तुम्हारा PYQ है। अब लैंग्वेज को डिकोड करना सीखो, इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, यूजिंग मेटलिक वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, कोई मेरे को मतलब बताना जिसको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेंथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, उसी से क्या बोलते हैं एरिया भी बनाएंगे और उसी से ये मेटलिक वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ का मतलब क्या है, इनका क्या सेम रहेगा, लेंथ, लेंथ क्या, इसकी साइड की, स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, इसका मतलब क्या है ये बताओ मेरे को, आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटलिक वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ इन, यानी कि इसमें कुछ तो बराबर होगा ट्राइंगल और ये स्क्वायर में, वो चीज क्या बराबर होगी ये बताओ मेरे को,
दोनों की लेंथ? नहीं गलत, लेंथ तो वायर की बराबर है, वो वायर तुम्हारा कहाँ लगेगा ऐसे करके समझो ना थोड़ा। कोई एक साइड बराबर होगी उसकी? एक साइड नहीं होगी बराबर, साइड का तो रोल ही नहीं है। पेरीमीटर बराबर होगा सर। पेरीमीटर बराबर होगा, वेरी गुड। क्योंकि तुम मेटलिक वायर से कैसे बनाओगे, तुमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, मान लो ऐसे बनाया, अब तुमने इसी जो तार है तुम्हारा, ये तार तुम्हारा किसके बराबर है अल्टीमेटली यहाँ पर? पेरीमीटर की तो बराबर है, ये बार बार ही तो तुम्हारा यही तो तार है तुम्हारा ये। अब तुमने क्या किया, इसी तार को यहाँ से कुछ फोल्ड वोल्ड कर करूं के तुमने एक यहाँ पर स्क्वायर बना दिया ऐसे करके, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इन दोनों का आपस में क्या बराबर है? पेरीमीटर ही तो बराबर है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 3a, बोलो आया ना? मैंने मान लिया इसकी साइड b है, ये किसके बराबर होगा? 4b के बराबर होगा, बोलो आया ना? यहाँ से तुम्हारा a अपॉन b में क्या रिलेशन आ गया? 4/3 आ गया, बोलो आया ना? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारा क्या होता है? √3/4a². इसका तुम्हें रेशियो निकालना है स्क्वायर के एरिया से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे अल्टीमेटली किसकी वैल्यू चाहिए? देखो ये तुम्हारा, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये √3/4 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर अपॉन में बी स्क्वायर है, ठीक। इसका मतलब √3/4 × a² / b² a² / b² की क्या वैल्यू है? यहाँ से निकाल लो a² / b² क्या हो जाएगा? 16/9 हो जाएगा, बोलो आया ना? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो √3/4 × 16/9, ये 4 4 16 हो गया। अब देखो, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है। अच्छा सॉल्व क्या करना है, वो आंसर यही दे रखा है 4√3 9, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया सर? ठीक है, अब बस इसमें क्वेश्चन में क्या था, बस ये चीज समझने वाली थी कि इनके आपस में पेरीमीटर बराबर होंगे और फिर तुम्हें रिलेशन मिल गया, एरिया निकाल दो, ठीक है। चलो इसको आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसको देखो, इसको कैसे करोगे? हाँ चलो, इसके कितने क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ही और है, ठीक है, इनको कल करेंगे, ठीक है, मेरे को थोड़ा भी कहीं जाना है यार, ठीक है। कल हमारा, कल थोड़ा सा लाइट पार्टी है, पॉलीगन, कल पॉलीगन पढ़ेंगे, पॉलीगन में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब तुरंत ही हो जाएगा इतना, एक एक घंटा 10 मिनट ऐसा कुछ ही लगेगा, तो तब कर लेंगे इसको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और डाल दूंगा क्वाड्रिलेटरल का, ठीक जी सर। कल हमने 28 तक किए थे ये सारे सवाल, सबको समझ में आए थे ये बताओ? बोलो, ये वाले जो क्वेश्चन किए थे 27, 26, ये समझ में आए थे ना सबको? चलो सबसे पहले ये वाले, ये जो दो क्वेश्चन रह गए इनको करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ट्राई करके देखो हो रहा है या नहीं, ठीक है, कहाँ से क्या कर सकते हो, क्या बोला है तुम्हें करने के लिए, ठीक है, उसको एक बार अप्रोच देखना मेरी कि मैं कैसे करूंगा, और तुम लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। अपन तुम लोगों के पास 3 मिनट है, 6 हो रहे हैं, 9 तक का टाइम है तुम्हारे पास। हुआ किसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें, अभी तुम देखोगे फिर बोलोगे सर, 40 क्या आ रहा है? 40? 40 चलो देखो इसको, देखो अप्रोच देखना इसको करना कैसे। इन द फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। फिर बोला है पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी की, यानी कि बी सी पर मेरा एक कोई पॉइंट है पी, जो कि ये रहा, ठीक है। फिर क्या बोला उसमें, सच डेट पी बी इज टू पी सी इज इक्वल टू 1:2। इसका मतलब क्या है कि पी बी अपॉन पी सी जो है मेरा, वो मेरा 1/2 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोला है डी पी एंड ए बी वेन बोथ प्रोड्यूस्ड मीट एंड क्यू, यानी कि जब मैंने डी पी और ए बी दोनों को बढ़ाया तो ए प्रोड्यूस्ड होने के बाद यहाँ इस क्यू पॉइंट में मिली है जाकर,
ठीक है, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू दे रखा है 20 स्क्वायर यूनिट, यानी कि मेरे को एरिया ऑफ बीपीक्यू दे रखा है कितना 20, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीपी बताना है, यानी कि मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है 20 यूनिट, और मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है कि कितना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको क्वेश्चन का मतलब? ठीक, अब देखो क्या करेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, तुम्हें एक साइड का प्रोपोर्शन दे रखा है और एक एरिया दे रखा है, इनके बेसिस पर तुम्हें अगला एरिया निकालना है। ठीक, तो अभी तक हमने एरिया कहाँ पढ़ा है, या तो ट्राइंगल में ऐसे पढ़ा है कि एरिया अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हाफ बेस हाइट वाइट इसका कुछ भी मेंशन नहीं है, ना तो अपन को कोई साइड की वैल्यू दे रखी है कि साइड क्या है ऐसा कुछ, तो मेरा ये फॉर्मुला वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा वहां पे। अपन ने और क्या पढ़ा है एरिया का, कहाँ पर पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके एरिया उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मेरे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो मैं यहाँ से इनका एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इनका साइड का रेशियो पता है और एक का मेरे को एरिया भी पता है, तो दूसरे का एरिया आ जाएगा। अब देखो कि ये दो ट्राइंगल तुम्हारे सिमिलर है या नहीं है, तो अगर मैंने इन ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल कर दिए तो मेरे ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब बस ये देखो दो एंगल तुम्हें कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर हो गया, सीधे सीधे वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो आया ना? ठीक है, और एक मेरे को बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और मैंने मान लिया कि ये जो मेरी बी सी है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बोलो आया ना? ठीक है, तो यहाँ से मेरे ये दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो मेरे दो एंगल जब इसके इक्वल हो गए यानी कि ये वाला ट्राइंगल मेरे इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ, अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लिखा बी पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ मेरा नीचे वाला ट्राइंगल क्या है डी सी पी, ये मेरा किसके बराबर होगा, इनकी साइड्स, इनकी साइड्स मेरे को कौन कौन सी दी है पी बी अपॉन पी सी, इनके होल स्क्वायर के बराबर होगा, बोलो आया ना? बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो एरिया ऑफ बी पी क्यू मेरे को कितना दिया हुआ है 20 यूनिट दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा 20 अपॉन एरिया ऑफ डी सी पी, एरिया ऑफ डी सी पी दिस इज इक्वल टू पी बी, पी बी मेरा कितना है 1 अपॉन पी सी कितना है मेरा 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरा अगर मैं देखूं तो ये हो गया मेरा 20 अपॉन एरिया ऑफ डी सी पी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो यहां से मेरा एरिया ऑफ डी सी पी किसके बराबर आ जाएगा 80 यूनिट्स, 80 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ जाएगा, बोलो समझ में आया? बताओ, बोलो सर। ऐसा कोई है 40 जिसका आ रहा था उसने कहां कहां गलती की है देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा कि नहीं होगा, ये तो नहीं होगा मेरा नन ऑफ द अबव आंसर होगा, बताओ समझ में आया कैसे करा, ये स्क्वायर के बराबर होता है, तुमने क्या किया होगा यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिया होगा डायरेक्ट कर दिया होगा तभी 40 आ रहा है। ठीक है, चलो आया ना सबको समझ में आया क्वेश्चन, बस ये देखो चीजें यूज कहां पर हो रही हैं जो जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, उसको देखते चलो, चलो अब ये वाला पढ़ो क्वेश्चन। और एक बार ट्राई करो और मेरे को ये बताना कि इसमें तुम क्या चीज लगा सकते हो, ठीक है, कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आएगा, ये बताओ। आया किसी को ये वाला, क्या करना है इसमें, कैसे कर सकते हैं, पहले तो डायग्राम तक बनाओ और जो जो चीजें दी हैं उनको लिखना सीखो पहले। हुआ किसी का? मैं सर एक मिनट करो करो
चलो देखो आया किसी का आंसर आया ये बताओ, आंसर छोड़ो, किसी को ये पता लगा इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कौन सी चीज लगाएंगे क्या करेंगे ये बताओ सर। वो 60 डिग्री दिया हुआ है तो ऑपोजिट एंगल्स वाली वो प्रॉपर्टी लगा लेंगे कि वो इक्वल होते होते दोनों के पैरेललोग्राम के अंदर। देखो देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक अभी देखते जाना तुमने क्या मिस किया है और मैं क्या पकड़ूंगा वो चीज देखना। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है क्या बोला विद ए बी एंड ए डी एस एडजेसेंट साइड, हाँ तो एडजेसेंट साइड यानी कि अगल बगल में है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल मेरे को कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी यानी कि ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए डी के बराबर है। मैंने मान लिया कि अगर ये साइड एक्स है तो ये वाली साइड मेरी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, बोलो है ना बताओ, ठीक है फिर क्या बोला है देन द डायगोनल बी डी, तो मेरे को डायगोनल बी डी के बारे में बताना है कि ये मेरा किसके बराबर होगा, ठीक है और देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं तुम्हें एडी के उसमें दे रखे हैं यानी कि तुम्हें अल्टीमेटली बीडी का एडी के साथ रिलेशन बताना है कैसे बताओगे, ठीक है तो देखो ये वाला एंगल तुम्हें 60 डिग्री दे रखा है, बोलो आया ना। अब यहाँ पर कोई कॉस 60 या फिर ऐसी चीज तो हम लगा नहीं सकते हैं, मतलब कि जिससे अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइट ये सब दे रखा हो, लेकिन अपन ने कोसाइन रूल पढ़ा है, कोसाइन रूल पढ़ा है ना, कोसाइन रूल अपना क्या होता है कि अगर कॉस यहाँ पर मेरा जो भी एंगल है 60 डिग्री तो मेरा क्या होता है एक इसके आजू वाली साइड जो आजू बाजू वाली साइड है इसकी वो लिखते हैं अपन पहले, बोलो आया ना, यानी कि अपन लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बोलो यहां तक समझ में आया, माइनस जो अपनी बची वाली साइड है यानी कि BD का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अपॉन ट्वाइस ऑफ AD इनटू AB, बोलो ये चीज अपन यहां पर लगा सकते हैं, बोलो आया ना, बोलो yes, sir. कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय टू दिस इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ठीक है एडी अपना किसके बराबर है एक्स के बराबर है, लिख लो एक्स का स्क्वायर, ठीक है प्लस ए बी अपना किसके बराबर है 2x के बराबर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, बोलो आया ना, मेरे को नहीं पता बीडी का क्या है, मैंने बीडी की जगह बीडी स्क्वायर लिख दिया अपॉन ट्वाइस ऑफ AD मेरा किसके बराबर है x के बराबर है मल्टीप्लाई AB मेरा किसके बराबर है 2x के बराबर है, ठीक है तो यहां से मेरा क्या हो गया 1 upon 2 this is equals to x square plus 4x square क्या हो गया मेरा 5x square minus BD square this is equals to upon ये क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई या फिर यहां से इससे काट दो ये 2 से मेरा ये 2 कट गया, ठीक है तो यहां पर ये 2 ना बचा यहां पर क्या हो गया मेरा 2x square हो गया, ठीक तो यहां से मेरा 2x square किसके बराबर आ गया 5x square minus BD square, बोलो आया ना, तो मेरी यहां से BD स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5x ये 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा BD उधर चला गया यानी कि ये 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को BD की वैल्यू निकालनी है तो BD की वैल्यू मेरी क्या आ गई √3x और x मेरा किसके बराबर है AD के बराबर है तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया √3x की जगह पर AD, ये मेरा आंसर हो गया, पूरा समझ में आया बताओ सर, ठीक है अब यही प्रॉपर्टी पकड़नी है तो मैं साफ साफ दिखना चाहिए कि यार ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है ये मेरे को एक एंगल दे रखा है ये वाली साइड इन दोनों साइड में रिलेशन मेरे को पता ही है पहले से और इस वाली साइड का ही तो नहीं पता ये वाली साइड मेरी अल्टीमेटली कोसाइन रूल से आई जाएगी, ठीक है और बस एक्स एक्स क्यों लिखा ताकि यहां पर तुम कंफ्यूज ना हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है नहीं तो ए बी की जगह फिर तुम ट्वाइस ऑफ ए डी लिखते तो वहां से कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए डायरेक्ट ये एक्स है तो ये 2x है फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट की आंसर आ गया, समझ में आया ये बताओ yes, sir. Sir, हाँ बताओ सर इसमें मैंने पता क्या कर दिया और सर जैसे ये 60 आ गए ना सर तो ये जो एंगल डी होगा और बी होगा सर ये तो इक्वल एंगल ही होंगे इसके है ना नहीं और ये जो डायगोनल आएगा वो ये एंगल डी और ये एंगल बी हाँ ये पूरे पूरे एंगल इक्वल होंगे आपस में और सर ये जो इनको बाइसेक्ट करेगा ये बी इसको बाइसेक्ट करेगा ना इंटरनली डायगोनल जो होगा इसका नहीं 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 पैरेललोग्राम का डायगोनल बाईसेक्ट करता है कि नहीं करता करते हैं बाईसेक्ट ईच अदर होता है लेकिन ये एंगल बाईसेक्टर थोड़ी होता है ये कंपलसरी थोड़ी है कि एंगल बाईसेक्टर होगा ठीक है ना वैसे होगा हाँ ये एंगल बाईसेक्टर भी होगा मान लिया मैंने ये वाला एंगल बाईसेक्टर भी होगा क्यों होगा क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ये साइड इसके बराबर
ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन, ये हाँ तो ये तुम्हारा इसके बराबर भी होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और ये फिर इसके बराबर होगा। तो फिर सर अंदर वो 180 वाली प्रॉपर्टी लगा देगा ट्राइंगल की, तो फिर तो 180 वाली से तुम्हारे एंगल थोड़ी आ जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन इनका आपस में, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना सर, तो वो 2x जो होगा वो 120 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसके आगे नहीं हुआ सर, फिर मेरे से नहीं 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 कुछ गलत, ये सर कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं बात सर, सर वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर बाइसेक्टर, क्या कह रहे सर, अगर बीडी एंगल बाइसेक्टर होता तो वो पैरेललोग्राम नहीं स्क्वायर हो जाता। हाँ। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा वो भी है क्योंकि देखो ये दो ट्रायंगल तो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ये वाला और ये वाला होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अब ये जब कॉन्ग्रेंट हुए तो एंगल तो बराबर होंगे ही मेरे, ये 60 है और ये पैरेललोग्राम के हिसाब से ये वाला एंगल इसके बराबर होता ही होता है, ठीक है। अब ये जब इसके बराबर है तो इनका हाफ हाफ भी तो बराबर ही होगा, इसका हाफ ये हो गया, इसका हाफ ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर, ये 60 है तो ये 60-60 आएगा ही आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये x है ये 2x पहले से ही दे रखा है तो ये थोड़ा सा इसमें लोचा है, ठीक है क्वेश्चन में वही नहीं सर, लेकिन ये चीज याद रखना, ये तो तुमने सोचा ना कि ये 60-60 वाला, ये चीज तुम्हारी एकदम सही सोची है तुमने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के हिसाब से इसमें दिक्कत है, ठीक है, मतलब ये होगा इसी रूल से लेकिन अगर ऐसे सोचोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा पीवाईक्यू भी है यार, यूपीएससी ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है भाई, क्योंकि अगर ये हमने बनाया और अगर ये मेरा डायगोनल है पैरेललोग्राम के हिसाब से तो मेरा ये इसके बराबर होगी, अपोजिट साइड तो बराबर होती है, ये साइड मेरी इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, कॉन्ग्रेंट तो होंगे ही, यानी कि ये वाला एंगल तुम्हारा इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर है ही, ये पूरा तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, ये और ये 60 दे ही रखा है तो ये 60-60 आएंगे ही आएंगे गारंटी, ऐसे तो हम कुछ गलत नहीं सोच रहे, एकदम सही सोच रहे हैं। एडजेसेंट साइड्स का रेशियो दे रखा है ना 1:2, फिर वो इक्वल थोड़ी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बन सकता है? वो वही तो मैं तुम्हारी समझ रहा हूं ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर हमें AB = 280 दे रखा है, लेकिन ये बन तो रहा ही है ना अल्टीमेटली, अगर देखें अपन ये तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे ही, मतलब मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं कि ये बन तो, ये जो तुम सोच रहे हो ना एकदम सही सोच रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से बैठ नहीं रही है चीज, मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, ऐसे सोच सकते हो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसका ऐसे सही आंसर आएगा लेकिन ऐसे तुम सोचोगे तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन की गलती है, तुम लोगों की गलती नहीं है, ये तुम सही सोच रहे हो कि ये 60-60-60 ये 60-60-60 होगा ही होगा गारंटी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। चलो अच्छा अब ये चलो पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। देखो पॉलीगन क्या होता है सिंपल बताओ, पॉलीगन की सिंपल डेफिनेशन होती है पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये चीज याद रखना स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि हमारा सर्कल भी क्लोज्ड फिगर होता है लेकिन वो पॉलीगन नहीं होता, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आई, बताओ। यस सर। ठीक है पॉलीगन की डेफिनेशन समझ में आई, पॉलीगन क्या होता है और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन हमारा वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो और सारे एंगल आपस में इक्वल हो, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल से समझो, अगर मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ठीक है, मैंने बोल दिया इसकी साइड ये ए है, ये 2a है, ये 5a है, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा है एक पॉलीगन, ठीक। अगर मैंने बोला कि ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये तुम्हारा कैसा है, एक रेगुलर पॉलीगन। बोलो ये चीज समझ में आई? बताओ, बोलो, ये तुम्हारा कैसा होगा, इररेगुलर पॉलीगन, और ये तुम्हारा कैसा होगा, रेगुलर पॉलीगन। मेरे को ये बताओ रेक्टेंगल तुम्हारा क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है या इररेगुलर पॉलीगन होता है? इररेगुलर होता है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, सारी साइड आपस में बराबर नहीं होती। अगर मैं बोलूं स्क्वायर,
स्क्वायर तुम्हारा रेगुलर होता है, समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया दोनों में क्या होता है? ठीक है चलो। अच्छा अब एक चीज और देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ, जैसे स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होता है, अरे पैरेललोग्राम ही पॉलीगन होगा फिर। हाँ पॉलीगन तो यार कोई भी क्लोज्ड फिगर जो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ पॉलीगन होता है। मैंने अगर ऐसे 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 इसको अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करके मिला, मतलब ऐसे समझो ये, अरे यार स्ट्रेट लाइन बनानी है मतलब कुल मिला के, ये भी तुम्हारा एक पॉलीगन है ठीक है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉलीगन की डेफिनेशन समझो पहले, क्या होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो। अब ये भी तो स्ट्रेट लाइन से, ये मैं चाहे कैसे भी करके इसको आपस में जॉइन कर दूं तो ये मेरा पॉलीगन है। ठीक रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो, सारे एंगल्स आपस में बराबर हो। ठीक है चलो अब ये समझो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। सबसे पहले ये समझने से पहले एक चीज समझो कि अगर मान लो जैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल तुम्हें पता है ना, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया ठीक है, तो इसका जो मेरा ये वाला एंगल होगा ये तो होगा इंटीरियर एंगल, और ये वाला जो होगा ये मेरा कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल। बोलो आया ना? अगर मान लो मैंने कोई ये कैसे करके रेक्टेंगल बनाया ठीक है, तो मेरा ये एंगल तो कैसा होगा? इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर वाला एंगल होगा मेरा ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। बोलो आया ना? बताओ अरे बोलो यार। हाँ सर। ठीक है अब देखो दोनों फिगर से एक चीज समझो, दोनों फिगर से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फिगर हो अगर मेरे को इंटीरियर एंगल दिया है और उसके साथ वाले ही एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक तरीके से फॉर्मूला है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मान लो मैं कोई पेंटागन भी बनाता हूँ, जैसे मैंने पेंटागन क्या होता है पांच साइड वाला फिगर, अगर मैंने ये बनाया ठीक है, तो मेरा ये वाला एंगल कैसा होगा इसका? इंटीरियर एंगल। बोलो आया ना? अगर मेरे को इसके साथ वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? ये वाला जो एंगल होगा मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इस केस में भी तो ये इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री के बराबर होगा। बोलो आया ना? बताओ यस सर। ठीक है अब एक चीज समझो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ठीक, इसको याद रखना। अब अगर मैंने बोला अगर मेरे को कोई भी एक पॉलीगन है, ये चीज याद रखना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए बात है ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे को कोई भी एक मेरे को पॉलीगन दिया कि मान लो मेरे को ट्राइंगल है, मेरे को ट्राइंगल के अंदर के मेरे को ये बताना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो मेरे को ये तो पता है कि ये 180 डिग्री होता है ठीक है। लेकिन ये आया कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो? एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इसके बराबर होता है। यहाँ पर एन मेरा क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को इसका निकालना है कि पेंटागन के सारे अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स मेरी कितनी होती है? पांच होती है। बोलो आया ना? ठीक है अगर मेरे को साइड्स का सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, यानी कि 5 माइनस 2 मेरा कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा कितना हो गया? 540 डिग्री, ये मेरा पेंटागन के अंदर की साइड्स का सम आ जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई? बताओ। ठीक है अब चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे को ये बताओ कि एक रेगुलर सेप्टागन के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? कितना होगा? अगर मान लो मैंने बोला कि एन इक्वल टू टेन है
तब मेरा इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये बताओ। देखो डायरेक्ट माइनस करो n माइनस 2 यानी कि 10 माइनस 2 हो गया मेरा 8 मल्टीप्लाई बाय 180 18 जा मेरा कितना होगा 144 10 144 10 1440 डिग्री ठीक है। चलो ये चीज समझ में आई सबको, ये दो चीज बताई है अभी, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ठीक है। चलो अब ये चीज समझो, अगर मेरा कोई भी पॉलीगन हो और मेरे को उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो वो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि ट्राइंगल के भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री और एक स्क्वायर के भी सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज 360 डिग्री। ये समझ में आया बताओ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि n is equals to 12, अब तुम्हें बताना है यहाँ पर sum of all interior angles and sum of all exterior angles, तो क्या होगा ये बताओ मेरे को। इंटीरियर एंगल कितना होगा 1800 ठीक है, बिल्कुल सही है। 12 माइनस 2 हो गया मेरा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री 1800 और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 होगा ठीक है। चाहे मेरी n की वैल्यू कुछ भी हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मेरा कितना होता है 360 डिग्री होता है ठीक है। बोलो ये चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है, अब एक चीज समझो कि अगर मान लो मेरे को कोई एक इंटीरियर, चलो अच्छा एक चीज समझो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया ठीक है कि फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ठीक है ऑफ अ पॉलीगन इफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 540 डिग्री ठीक है। मेरे को एक ईच इंटीरियर एंगल बताओ ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे सर, और फिर एन की वैल्यू से पता चल जाएगा कि वो ट्राइंगल है क्या नहीं है फिर से। देखो देखो, अगर मान लो जैसे ये ट्राइंगल है ठीक है, तुम्हें पता अगर तुम्हें ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, तो तुम कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा, बोलो आया ना। ये तो तुम्हारे टोटल सबका मान है, अगर तुम्हें एक का मान निकालना है तो ये टोटल कितने हैं, n है, n से डिवाइड कर दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तुम्हें पता है एंगल इसमें कितने बन रहे हैं, टोटल तीन बन रहे हैं, यानी कि जितनी साइड होंगी उतने ही तो एंगल बनेंगे। अगर तीन साइड है तीन एंगल बनेंगे, चार साइड है चार एंगल बनेंगे, तीन साइड है तीन से डिवाइड कर दो, यानी कि हर एंगल का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। समझ में आया बताओ। हाँ सर। ऐसे ही अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई मारो थोड़ा। क्या आ रहा है आंसर, एक सौ अस्सी 180 गलत, सर 108 आएगा 108 आएगा ठीक है। सबसे पहले तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए,
तो अगर मेरे को सारे इंटीरियर एंगल्स का सम ये दे रखा है, यानी कि ये मेरा किसके बराबर होगा, एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये मेरा किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो 180 से ये मेरा कट गया 3 टाइम्स, यानी कि एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि ये जो भी फिगर है इसमें मेरे 5 साइड या 5 एंगल होंगे। मेरे को सारे एंगल्स का सम कितना दे रखा है, 540 डिग्री। टोटल एंगल मेरे कितने हैं, 5, यानी कि एक मेरा किसके बराबर हो गया, 108 डिग्री के बराबर हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 360। अरे ईच की बात कर रहा हूँ, 360 तो सारों का सम होगा। हाँ हाँ सर, वो तो फ्लो फ्लो में निकल 72 के बराबर होगा। ठीक है, अभी देखो दो तरीके से आ सकता है। तुम्हें पता है सारे एंगल का सम 360 होता है एक्सटीरियर, और टोटल एक्सटीरियर एंगल भी कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 35 5 2 30। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। तुम्हें पता चल गया इंटीरियर एंगल 108 है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से एक्सटीरियर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। समझ में आया? चलो ये तुम्हारा पास पॉलीगन में एक चीज और है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो अगर मेरा स्क्वायर है तो मेरे कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो स्क्वायर रेक्टेंगल 4 साइड का फिगर है, अगर मैंने यही 5 साइड का बना दिया तब मेरे कितने डायगोनल्स होंगे, एक ये डायगोनल, 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 ऐसे करके सारी वर्टेक्स को जब आपस में मिलाते तो वो डायगोनल बनते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसको याद कर देना। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू एन, एन माइनस 3 अपॉन 2। इसको नोट कर लो सारे, फिर मेरे को बताओ कि एक डेकागन में मेरे कितने डायगोनल्स होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन, एक डेकागन में मेरे कितने डायगोनल्स होंगे ये बताओ। 35। फॉर्मूला लगा दो, एन एन माइनस 3 अपॉन 2, यानी कि डेकागन में मेरी एन की वैल्यू कितनी होती है, 10, यानी कि 10 माइनस 3 7 अपॉन 2 25 का कट गया 5 7 35। समझ में आया सबको अभी तक जितना पढ़ाया, ये बताओ, बोलो। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा पी वाई क्यू है। ठीक है, अगर देखो पॉलीगन पे वैसे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है सीडीएस में, अगर आया तो वो ऐसा लेंथी सा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जैसे वो तुम्हारी कॉन्सेप्ट की वो करेंगे, इसमें पढ़ो इसको क्या बोला है और कैसे होगा ये। कितने लोग हैं क्लास में, छह में से दो तो मैं ही हूँ, 4 लोग हैं बस। चलो ठीक है, ये आपको डाल के 8 हैं। अच्छा ठीक, अच्छा अभी एक स्कैम हो रहा है, तुम लोग उससे दूर रहना। मतलब तुम्हारे फोन पे रैंडम मैसेज करेंगे कि वी आर ऑफरिंग यू अ पार्ट टाइम जॉब, और ऐसे करके फिर वो तुम्हें बोलेंगे 2 टास्क करने पड़ेंगे, फिर तो वो तुम्हें कोई भी गूगल मैप की या फिर उसकी लिंक शेयर कर देंगे, बोलेंगे इन होटल को रेट वगैरह करो, तो वो थोड़ी वैसी लिंक्स होती हैं तो उन पे क्लिक वगैरह मत करना, और वो नंबर वगैरह से अगर मैसेज आए तो तुरंत ब्लॉक कर देना उसे। ठीक है, और मेरे दोस्त के दादाजी वगैरह दोस्त के मेरे ऐसे ही फंस गए, उनके अकाउंट पे जितने पैसे थे सारे निकाल लिए। आया किसी का, ये बताओ।
सर जो ये इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिखा है वो उनका वो सिंगल इंटीरियर एंगल है ना क्या? हाँ हाँ the difference between their interior angles, हाँ वो सिंगल इंटीरियर एंगल इसको तुम कर कैसे रहे हो ये बताओ मेरे को। देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो एक चीज देखो, लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ो, द सम ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल्स इज 720 डिग्री। कोई भी मेरे दो पॉलीगन्स है, मेरे को पता है कि एक पॉलीगन का बाहर वाले एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो दो पॉलीगन का कितना हो जाएगा 720 डिग्री, बोलो आया ना बताओ। यस सर। ठीक है तो मेरा ये थर्ड तो डेफिनेटली सही है, यानी कि मेरा ये ऑप्शन गलत बोलो आया ना। ठीक दो एलिमिनेट हो गए। अब मेरे को इन दोनों में से कोई एक चेक करना है, चाहे पहला चेक कर लो चाहे दूसरा चेक कर लो। क्या बोला है, वन ऑफ देम इज अ पेंटागन एंड अदर इज अ रेक्टेंगल। मान लो मैं पहला चेक कर रहा हूँ कि उनमें से एक पेंटागन है एक रेक्टेंगल है। अगर मान लो पेंटागन है तो पहले वाले की एन कितनी होगी 5, और अगर दूसरा रेक्टेंगल है तो एन कितना होगा 4, बोलो आया ना। अगर पेंटागन है तो अभी हमने पीछे निकाला कि उसके इंटीरियर एंगल कितना आया था 108 डिग्री आया था, बोलो आया ना बताओ। यस सर। ठीक है हाँ सर। और रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो आया ना। अगर तुम्हें ऐसे नहीं निकालना, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ऐसे कर लो कि एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन एन, ये मेरा एक इंटीरियर एंगल का मान होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा। ठीक है यहाँ पर तुम्हारा 4 आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 108 माइनस 90 कितना आ रहा है 18 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो तुम्हें कितना बोला है 9 डिग्री बोला है, यानी कि ये तो तुम्हारा गलत है। अब जब ये गलत हो गया, ऑप्शन मेरे दो ही बचे हैं, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया, ये आंसर हो गया, चेक भी नहीं करना उसे। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ये चीज याद रखना, ऐसे नहीं करना कि तुमने एक बार तीनों स्टेटमेंट पढ़ो कौन सी दिख रही है इजी, सबसे ज्यादा इजी किसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री, एक का 360 होता है दो का 720 होगा ही होगा, डेफिनेटली ट्रू है। दो ऑप्शन सीधे सीधे हट गए, दो ऑप्शन हट गए। अब दोनों में से कोई एक चेक करना है। मान लो अगर मैं दूसरा चेक करता, क्या बोला है, वन ऑफ देम इज अ डेकागन, यानी कि एक डेकागन है, तो डेकागन के अंदर वाले एंगल का सम कितना होगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन 10, ये हो गया डेकागन का, यानी कि ये जीरो से ये जीरो कट गया, 10 माइनस 2 हो गया मेरा 8 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो गया मेरा डेकागन का इंटीरियर एंगल। ठीक अब मेरे को ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 8, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4 4 जा 16 4 5 जा 20 45 3 जा कितना हो गया तुम्हारा 135, बोलो आया ना। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 88 जा 64 कैरी लगी 6 81 जा 8 144 144 माइनस 135 कितने का डिफरेंस है 9 डिग्री का है, तो यानी कि ये वाला तुम्हारा ट्रू है, ब्रो आया ना। यस यस सर। ठीक है चलो अब ये वाला पढ़ो।
बोलो हुआ बोलो भाई, इसमें तो इतना बड़ा नहीं है, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सी ऑप्शन 20। देखो क्या बोला है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135। अब देखो एक चीज समझो कि ईच इंटीरियर एंगल 135 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 में से इसको माइनस कर दो, 45 होगा, बोलो आया ना? यस सर। तुम्हें पता है एक्सटीरियर एंगल सारों का सम 360 होता है, और एक तुम्हारा अगर 45 के बराबर है तो एन की वैल्यू आ जाएगी, बोलो आया ना? बताओ। सेम yes, अगर तुम इंटीरियर एंगल लेके करते तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन इजी बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो नंबर ऑफ साइड्स है ना सर? हाँ, ये नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है? एन की वैल्यू निकाल लूंगा तो अब ये कितनी जा जाएगा, 45, ये 8 टाइम्स जाएगा, बोलो आया ना? यानी कि n की वैल्यू 8 आ गई, तो मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n n माइनस 3 अपॉन 2, यानी कि 8 माइनस 3 5 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। समझ में आया? चलो कुछ नहीं था इसमें, ठीक है? अगर मान लो तुम इंटीरियर एंगल लेके करना चाहते हो, n की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी, ईच इंटीरियर एंगल तुम्हें 135 के बराबर बोला है, तुम्हें पता है सम बराबर होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इसके बराबर होता है अपॉन एन, ये तुम्हारे ईच इंटीरियर एंगल का मान है, ठीक है? अगर तुम इसको सॉल्व करोगे यहां से भी एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? बताओ समझ में आया? चलो अब ये पढ़ो, इसमें क्या बोला है, कितने हैं, 34, 35, 36, 37। अच्छा ये मैंने इसके उसके भी क्वेश्चन डाल दिए थे आगे। चलो चलो करो, थोड़ा दिमाग लाओ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बस सीडीएस वाले यही करते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है? जो तुमने पढ़ रखा है वही है, और ये सारे पीवाई क्यू हैं, जितने भी आगे आ रहे हैं और जितने भी अभी तक तुमने किए हैं। अगर मान लो 6 साइड से तो 6 एंगल होंगे, और उसमें बोला है कि 5 एंगल बराबर है। अगर मान लो कि ये पांचों एंगल तुम्हारे x के बराबर है, मतलब एक एंगल x के बराबर है, तो ये सारे पांचों आपस में बराबर है, ये पांचों x x के बराबर होंगे, और एक एंगल इनसे 30 बड़ा, यानी कि ये वाला x प्लस 30 डिग्री होगा, बोलो आया ना? बताओ इतना समझ में आया, ठीक है? क्या बोला है तुम्हें, इनमें से x की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द इक्वल एंगल्स, यानी कि तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो उस जो भी पॉलीगन उसमें 6 एंगल होंगे, 6 में से एक तुम्हारा x प्लस 30 के बराबर है और बाकी 5 तुम्हारे x x के बराबर है, बोलो आया ना? 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये किसके बराबर होगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इसके बराबर होगा, बोलो आया ना? 820 बराबर, यानी कि ये तुम्हारा हो गया x और प्लस 5 ही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6x प्लस 30, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, n माइनस 2, n यानी कि किसके बराबर है, 6, 6 माइनस 2 हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 18, यानी कि 720 डिग्री, ठीक है? यहां से 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 6, या फिर डायरेक्ट ऐसे करो, ये तुम्हारा 6x 720 में से 30 गया, कितने से क्या हो जाएगा, 690, बोलो आया ना?
तो x तुम्हारा किसके बराबर है, 690 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 115। बोलो समझ में आया? यस सर। हां सर। चलो ये वाला पढ़ो। अब देखो इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस पूछा है, तो वर्टाइसेस अल्टीमेटली कितने होंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। बोलो आया ना? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तुम इस नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालो। बस ये यही करते हैं सीडीएस वाले, बस ये देखो लैंग्वेज यहाँ पर वर्टाइसेस। Sir, 9. Each interior angle of a regular polygon is 140 degree, yani ki n minus 2 multiply by 180 degree. Achha, aise nahi. Dekho, isko jab bhi interior angle diya jaye, exterior angle nikala karo. Exterior angle kitna bacha? Exterior angle. Yani ki 360 upon 40 tumhara n ke barabar hoga. Ye tumhara ho gaya 9, yani ki n ki value 9 ho gayi, itne vertices honge. Theek hai? Ab dekho, aise bhi answer aa jayega, lekin bada padega. n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, इसको 140 के बराबर रखो फिर करो, ठीक है? अगर मान लो तुम ऐसे कर रहे हो इसको n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 करके, n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n, दिस इज इक्वल्स टू 140। तो देखो इसको भी कैसे, इसको भी छोटे तरीके सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जीरो से ये जीरो काटो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है n माइनस टू अपॉन n, दिस इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 18, इसको काट दो 2 7 18 2 9 10। अब इसको सॉल्व मत करो, अब ऑप्शन से पुट करके देखो, अगर तुम यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 माइनस 2 8 हो गया, तो ये तो बराबर नहीं है। 9 रख के देखो, 9 माइनस 2 7 हो गया और नीचे 9, यानी कि ये तुम्हारा ट्रू है, 9 आंसर हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल होगा अगर n की वैल्यू 3 आई तो सर। हाँ, n की वैल्यू 3 आई तो ट्रायंगल होगा। अभी n की वैल्यू 9 आई है तो एक क्या बोलते हैं उसको, नॉनागन बोलते हैं ना शायद। चलो अब ये तुम्हारे, अब मेरे को पॉलीगन के ज्यादा क्वेश्चन मिले नहीं, तो अब ये तुम्हारे उसी के, उसके मतलब मिक्स क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है? ये 35 वाला करो लास्ट, इसके बाद कल करेंगे। प्रॉपर्टी अगर रिवाइज की होगी तो कर लोगे इसको, नहीं की होगी तो नहीं कर पाओगे, सीधी सिंपल सी बात है। तो देखो मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है? क्योंकि मेरे को जा मतलब खत्म करते हैं। क्या बोला? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लो, ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम PQRS। फिर क्या बोला है? PA बाइसेक्ट्स एंगल P एंड SA, यानी कि देखो ये सेम लाइन है, SA बाइसेक्ट्स एंगल S, यानी कि ये हो गया तुम्हारा SA, ये हो गया तुम्हारा PA, सॉरी ये को यहां, ठीक है? ये तुम्हारे इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है? तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज एंगल PAS इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब देखो एक तुमने वो प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी ये एंगल बाइसेक्टर हो और यहाँ पर ये जो एंगल बने, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल PAS, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ये जो आगे वाले जो दो एंगल है इनके एडजेसेंट एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि क्यू प्लस आर के बराबर होगा। बोलो आया ना? बताओ सर। तो यहाँ से ये एंगल PAS किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू प्लस आर। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये कौन से एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हाफ इंटू 180 डिग्री कितना आ गया 90 डिग्री, ये आंसर हो गया। एक तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, अगर मैं इन दोनों को आधा कर दूं तो ये जो आधे आधे एंगल है ये और ये, इनका सम कितना हो जाएगा इन दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों का 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल में ये वाला ही एंगल बचा, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो आया ना? सही किया था सर। चलो
कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारे तीन क्वेश्चन बचे हैं, इनको आप कल कर लेंगे, ठीक है। मतलब तीन क्या, और भी आगे डाल दूंगा। तो अभी आज तुम्हारा पॉलीगन हो गया, अब बस ये ज्योमेट्री चैप्टर में सर्कल बचा है, तो सर्कल तुम्हारा 2 दिन और 1 दिन मिक्स प्रैक्टिस,